क्वेश्चन नंबर 105, फैक्टराइज 2a³ - 3a² b + 5ab² - ab। 2a³ - 3a² b + 5ab² - ab। तो इसको हम ग्रुपिंग करेंगे तो जो पेयर फॉर्म होगा वो आइडेंटिकल होगा नहीं, तो हम इसमें ऑल फोर टर्म्स में से कॉमन लेंगे। तो इन चारों ही टर्म में जो कॉमन होगा वो है ए, जो है वो चारों ही टर्म में, और ए की लिस्ट पावर वन है तो ए कॉमन हो रहा है। तो फर्स्ट वाले टर्म में अगर हम ए कॉमन लेंगे तो ये होगा 2a², सेकेंड वाले टर्म में होगा 3ab, प्लस थर्ड वाले टर्म में होगा 5b² और लास्ट वाले टर्म में b, और फिर ये आगे फैक्टराइज होगा नहीं। सो विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर।